तुम कहाँ गायब हो गए सबसे पहले ये जो सफर है आपके फैंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, किस तरह से देखो आज के दिन को? बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि वापस से इतना बेहतरीन शो करने को मिला, और ये इंडिया का नंबर वन शो सिर्फ कहने के लिए नहीं एक्चुअली है, क्योंकि जब ही हमने किया तब हमें पता चला और कितने स्टंट तो मैंने और अर्चना ने साथ में किए, और ओह माय गॉड, अरे भैया नौचंदी का मेला और हलवा पराठा जो याद आया है। हम लोगों ने ना एक स्टंट किया था और मुझे ये बात पता नहीं थी और इसे भी नहीं पता था कि मुझे हाइट से डर लगता है। तो वहाँ जाके अंदर बोला हाइट कैसी है तुम्हारी, डर मैं देखो मुझे भी डर लगता है, हाथ मिला लो पहले। तो हम लोगों ने नौचंदी का मेला, क्योंकि हम मेरठ से ही है तो वहाँ पे नौचंदी का मेले और हलवा पराठा और दही बल्ले, दही बल्ले सब अपने सब याद किया हमने उस एक स्टंट के अंदर। वो स्टंट फिर हम लोगों ने बताएंगे बाद में। आपका और अर्चना का जो फाइनल की जो दौड़ रही थी, सबसे ऊपर आप दोनों का नाम है, इस पे क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो मेरठ वाले हैं, तगड़े तो हैं, तगड़े तो हैं, बाकी हम ये स्पॉइल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जो हमने किया है ना, हम चाहते हैं कि वो हमारे फैंस ऑडियंस बहुत इंजॉय करें, क्योंकि सच में इंजॉय करने वाली चीज है। राइट राइट राइट। और अर्चना ने जितना इंजॉय दिया है ऑडियंस को, ये हैट्स ऑफ टू अर्चना। तीनों के साथ किस तरह सबसे स्ट्रांग हुई आप लोग, सबने कहा कि वो सबसे स्ट्रांग थी, जी जी, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे किस तरह मेंटली कितने स्ट्रांग थे डीनो? हम एक ही बात बोलते थे, मैन वर्सेस वाइल्ड है डीनो, मतलब इंसान और पूरी पूरी ताकत से लड़ा दो, ताकत जानवर से लड़ा दो, उसको शेर के सामने ऐसे खड़ा कर दो, खड़ा कर दो। एक्चुअली वो ना पहली बात तो उसको ना टेंशन नहीं है, उसने जो भी स्टंट किए है ना एंजॉय किया, ऐसा लगा वो हॉलिडे। खासियत डीनो भाई की ये थी कि उनके दिमाग में ना एक बड़ी शांति वाला फीचर था, हमें अपने आप को काम करना पड़ता था, उनमें ऑलरेडी था इनबिल्ट कि वो शांति थे नेचर में, मतलब उसको टेंशन नहीं होती थी, ना ना होगा होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, जिसमें सबकी हालत खराब होती थी उनको मजा आता था, मजा आ गया क्या, अरे हालत खराब हो गई ऐसा था, वो इतना स्ट्रांग था। के बारे में कुछ अर्चना ने फॉलो अरे वो पहला वाला स्टंट हमारा जो आपकी आई थी हमारे ऊपर, तो मेरा एक ये था कि सांप से मुझे थोड़ा डर लगता था, फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारा दोनों का स्टंट चल रहा था। एक्चुअली अभी आप लोगों को ना एक सीन दिखेगा आज ही एपिसोड में, दिखेगा शायद, हाँ आज के एपिसोड में शायद, नहीं कल के एपिसोड में। तो क्या था, एक सांपन थी, सांपन सांपन मतलब सांप, फीमेल सांप, नागिन इनके नाम से सांपन, सांपन थी। तो वो सांपन मेरे गले में पड़ी हुई थी, हम सबके गले में, बाजू में ये था, तो वो सांपन उसके पास जा रही थी ऐसे लपेट के, और उस सांपन ने इसको लपेट लिया, और मैं सोच रहा हूँ मैंने कहा यार ये क्या हो गया, क्योंकि मेरे कंधे पे ऑलरेडी एक सांप था, और चुना का सांपन भी मेरे ऊपर आ रहा था, मेरी हालत खराब, मैं कह ये क्या हो गया यार। तो वो सच में वो बहुत, मतलब जब भी हम दोनों साथ में रहे ना, उस बात को जरूर याद किया हमने, मजा आएगा, मतलब आप देखना क्या हुआ फिर बाद में। ट्रिम करा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? कहाँ ट्रिम करा है, पूरी पूरी की पूरी चोटी, नहीं नहीं नॉट एट ऑल, बिल्कुल ट्रिम नहीं कराया, मोड़ लिया क्योंकि वहाँ पे इन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया, कभी कभी बाल अच्छे नहीं दिखते थे, शिदान बाल नहीं अच्छे दिख रहे तुम्हारे, इनको ना चोटी को थोड़ी ऐसे को कर लो, तो भाई उसके लिए भी थैंक यू। और एक इसने पनौती चोटी भी बनाई थी, अरे यार उसके बारे में इनको देख नहीं दो, पनौती चोटी बनाई थी भाई साहब मैंने, तो अब उसके साथ क्या हुआ ऑडियंस को इन्जॉय करने दो जी, आप लोग देखना, बस आज से शुरू हो चुका है। खतरों के खिलाड़ी आज भी आएगा, कल भी आएगा, सैटरडे संडे आएगा, आप लोग बहुत मजा आएगा, इस बार जितने स्टंट हुए, कितने सारे नए स्टंट हुए, तो आप सबको बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू। एक चैनल आईडी।